गुड मॉर्निंग राइडर्स। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत ही बढ़िया। फिर से एक नया दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रहा है और बाहर मौसम दिखाते हैं आप लोगों को। पूरा धूप है, पूरा धूपी धूप है। हम लोग का एनफील का कुछ बीमारी निकला है, उसको लेके जाने पड़ेगा डॉक्टर के पास। क्या प्रॉब्लम निकला है जाने के समय आप लोगों को बढ़िया तरीके से बता के चलेंगे। फिलहाल कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, तो देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। गरम गरम कुछ खा के जल्दी से निकलते हैं आप रेडियो के। और शायद मेरा भैया भी जाने वाले आज, उनका छुट्टी है तो उनके साथ ही मैं जाने वाला हूँ फटा से लंबाड़ी से। वहाँ पे एक गैरेज है बढ़िया करके, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब बुलेट हो गया, रॉयल एनफील्ड ये सभी क्लासिक बाइक्स देखते हैं। तो वैसे ही दुकान में जाने से अच्छा होगा, ठीक। तो वहीं पे जाएंगे अभी। तो अभी करना है ब्रेकफास्ट, रेडी होना है, उसके बाद बाइक लेके चलिए। तो अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट, हाथ में है मेरा, देखिए दाल पूरी है और ये रहा सब्जी, छोले का कुछ सब्जी वगैरह है आलू वगैरह के साथ। तो ब्रेकफास्ट अभी हो रहा है, ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही जाएंगे अभी, ठीक है। जल्दी से जाना पड़ेगा और जितना लेट करेंगे, गाड़ी वगैरह ज़्यादा होगा तो हम लोग का भी घर पे आने के लिए लेट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही टेस्टी है दाल पूरी, बहुत ही अच्छा लगा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सब्जी वब्जी कटिंग हो रहा है, वो रहा जैक फ्रूट और ये कुछ बनाना ट्री का देखिए। तो वैसे कुछ अंदर वाला ऐसे कट के सब्जी वगैरह खाते हैं हम लोग को यहाँ पे, तो खा सकते हो। और वहाँ पे देखिए हम लोग का रियो महाराजा सो रहा है अंदर, रियो को नींद है। सुबह सुबह पूरा एकदम घूम के भैया के साथ पूरा एकदम भाग दौड़ करके खेल के आ चुका है। अभी देखिए उसको क्या नींद आ रहा है, उसको सो जाओ सो जाओ। खाना खाया आ रही हो, खाना खाया कि नहीं, सो जाओ। सो जाओ गुड बॉय। चलो मैं तो पूरा रेडी हो गया हूँ, चलिए अभी भैया कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और शायद काम ही उनका ख़त्म होते हैं, वो भी रेडी होंगे फिर दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए ये साइड देखिए पूरा क्लियर है, आप लोग देख सकते हो। और अभी यहाँ पर देखिए ये साइड पे देखिए पूरा काला बादल है यार, मतलब क्या है ये सब, कुछ भी गारंटी नहीं है यहाँ का। मतलब वेदर कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, बारिश भी हो सकती है, धूप भी हो सकती है, तूफान भी आ सकते हैं। चलिए और इसी साइड जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जहाँ से काला बादल आ रहे हैं हम लोग ऐसे होके जाने वाले हैं पहाड़ों के ऊपर से होके। शॉर्टकट है कुछ फता से लंबाड़ी निकलने के लिए, तो उसी साइड है गैरेज, तो यहाँ से जाएंगे। देखते हैं अगर बारिश वगैरह हुआ तो फिर से रुकना पड़ेगा और कहीं पर, ये खतरनाक वाला काला होके आ रहा है। आई होप उस दिन जैसा बारिश ना हो, बाकी थोड़ा सा धीरे धीरे होने से भी चलेगा, हल्का हल्का देने से तो और भी अच्छा है। हल्का हल्का बारिश होने से बाइक चला के भी बहुत ही अच्छा लगता है, जो मतलब छोटा छोटा बूंद आके शरीर पे लगता है ना, बहुत ही बढ़िया सा फील होता है। और वहाँ सिटी साइड तो पूरा धूप ही धूप है, देखिए क्लाउड्स देखिए ना, क्या कितना खूबसूरत से क्लाउड्स है, देखिए बहुत ही खूबसूरत से क्लाउड्स है यार। लेकिन ये सब क्या क्या नज़ारा है पता नहीं भाई, देखिए पूरा काला होके आ रहा है भाई। ओ भाई भाई भाई, चलिए राइट राइडर्स, अभी मैं गैरेज पे हूँ और ये रहा हम लोग का एनफील्ड। देखिए लुक्स थोड़ा सा गंदा हो चुका है, रिम्स वगैरह टायर वगैरह। प्रॉब्लम ये हुआ कि लो स्पीड ऐसे थोड़ा थोड़ा देने से एक्सीलरेशन तो बाइक जाते रहते हैं, अगर ज़्यादा ऐसे करके प्रेस करने से एक्सीलरेशन दबाने से तो ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफ हो जाता है। तो ये हो सकता है केबल का, हो सकता है एक्सीलरेशन केबल का प्रॉब्लम हो सकता है। ड्यूटी पे लेके जाते भैया तो प्रॉब्लम हो सकता है भैया के लिए। और अभी मैं अकेले जा रहा हूँ, भैया अभी मतलब और एक बाइक लेके आ रहे हैं, फादर जी का बाइक लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं आगे के जा रहा हूँ, भैया अभी थोड़ा कुछ काम है वो निपटा के आ जाएगा। चलिए, रिम का बहुत ही खूबसूरत लुक होता है हम लोग का एन क्लासिक का, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो चुका है, धोने के बाद खतरनाक वाला लुक होता है। देखिएगा मिस मारता है, देखिए देखिए सुनिए, पूरा मिस मार रहा है बाइक। तो देखिए बाइक पूरा मिस कर रहा है, तो जब भी मैं एक्सीलरेशन करना चाहता हूँ देखिए तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं घर के पास में ये गैरेज तो यहाँ पे आ गया मैं। तो ये हो सकता है बारिश का दिन था तो यहाँ पे पानी भी घुस सकता है अंदर, और या फिर कार्बोरेटर के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एक बार दिखा देते, यहाँ पे पूछ लेते भाई लोगों को। तो उस दिन जो आया था मैं यहाँ पे गैरेज पे, तो आज खुला है तो आज यहीं पे दिखाएंगे, बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है गाइस। चलिए क्या है, पानी की पेट्रोल है पेट्रोल पानी पानी
पानी मिक्स होगा। हाँ ये पूरा सफेद हो गया, लेकिन पानी था क्या? हो सकता है। तो देखते हैं, अभी चेक कर रहे मैकेनिक भैया। हाय, कोई एक बार लॉक करिए। सुन, हाय। अभी भी मिस कर रहा है गाड़ी। भाई और देखिए, लकीली फिर से धूप चला गया है गाइस। तब से धूप में मतलब मैं किक किए जारो किए जारो किक करके करके पूरा हालत खराब हो चुका है मेरा। चलिए अभी जाते हैं 3 नंबर, वहाँ पे भी एक बुलेट का कुछ है गैरेज, तो वहाँ पे जगह दिखाएंगे। जहाँ पे जाने वाला था वहाँ पे तो पूरा हिल साइड है ना हम लोगों का, तो मतलब पिकअप नहीं ले रहा है तो इतना बड़ा आप कैसे उठेगा, चलेगा बाइक चलेगा ही नहीं, इसलिए वहीं पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा प्लेन रास्ता है अभी यहाँ से। और एड गेस्ट अभी पहुँच चुका है मालेगांव 3 नंबर का एनफील्ड वाला गैरेज पे। ठीक है, हम लोग का बाइक लग चुका है अभी, बस भैया का थोड़ा सा वो गाड़ी का काम है, उसके बाद हम लोग का लगने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला है, और बोला है कि कार्बोरेटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और बोला है कि खोल के देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं। और ऊपर बारिश लगता है फिर से होने वाला है, देखिए पूरा काला होके आ रहा है। ओ भाई, देखते हैं। और देखिए सब बुलेट कुछ क्लासिक बाइक्स ही है, एनफील्ड सब सिर्फ और सिर्फ एनफील्ड काम करती है भैया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और भैया जी बाहर गए, थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला तो भैया जी थोड़ा सा बाहर चले गए। तो ये रहा हम लोग का नीलेचल फ्लाईओवर, उसके नीचे वो जो हम लोग का 3 नंबर वाला क्रॉसिंग है, फिर वहाँ पर आके ये रहा। तो ये वाला दुकान है गैरेज, लेकिन बैक साइड पर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे अभी, और ये रहा भैया। ठीक है, चलिए भी हम लोग का बाइक लग चुका है। बोला है कि कार्बोरेटर में ही प्रॉब्लम है, तो ये रहा पूरा खोल के निकल लिया। और फिर अभी बोला है कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन रहता है यहाँ पे, तो ये भी चेंज करने से हो सकता है। तो देखिए, प्रॉब्लम कार्बोरेटर में नहीं, पेट्रोल में निकला है बाद में। देखिए आप लोग इजीली देख सकते हो, नीचे पानी ऊपर पेट्रोल। देखिए देखिए पूरा लेयर बन चुका है भाई भाई भाई। तो प्रॉब्लम निकला पेट्रोल पे, और भैया को लगा था मतलब कार्बोरेटर भी हो सकता है, तो इसलिए चेंज करने के लिए बोला था। अभी पूरा पेट्रोल निकल के देखा तो पेट्रोल पे ही प्रॉब्लम निकला, तो लगता है अभी पूरा पेट्रोल निकालना पड़ेगा, नया करके पेट्रोल साइड डालना पड़ेगा। तो पूरा टैंक का पेट्रोल यहाँ पे निकाला, उसके बाद पूरा पेट्रोल यहाँ पे डाल लिया है अभी, और पानी फेंक दिया। ठीक है, ढेर सारा पानी था, ढेर सारा। DS3 का बाइक बहुत ही पुराना है। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग जाने ही वाले थे, लेकिन भैया कहीं पे बाइक लेके हेलमेट पहन के चला गया। और देखिए बारिश, इससे बारिश शुरू हो चुका है। पूरा बाइक वगैरह खोल के कहाँ चले गए भैया, पता नहीं। और हम लोग अभी पे अभी से मतलब प्लान कर रहे हैं कि कहीं पे जाने के लिए, शाम को देखते हैं कहीं पे फोर व्हीलर लेके कार लेके कहीं पे जाएंगे। थोड़ा सा शाम का मतलब क्या होता है, चाय वगैरह कहीं पे जाकर पी के आएंगे, ऐसे कुछ सोच रहे हो। और बारिश भी हो रहा है, तो इसलिए बाइक तो नहीं निकल पाएंगे। देख रहे हो घर पे कार है, तो कार चलाते ही नहीं हूँ मैं, तो मुझे शायद आप लोगों ने कभी भी कार चलाते हुए नहीं देखा होगा। तो आज सोच रहा हूँ कि क्यों ना, बहुत दिन हो गया और चलाया भी नहीं है, तो चलाएँगे थोड़ा सा। फिर बारिश फिर से तेज़, पूरा तेज़ वाला बारिश दे रहा है, तो लगता है फ्लाद वाला सिर्फ से होगा हम लोग का यहाँ पे मालिकाओ पे। और देखते हैं, हमको शायद निकलेंगे हम लोग। ठीक है भैया, मैं और एक दो दोस्त जाने वाला है साथ में, फिर जाएंगे बढ़िया सा गरम गरम चाय कहीं पे पूरा पी के आ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया लगेगा। चलो भी भैया को आने देते हैं गैरेज का, भैया पता नहीं कहाँ पर हेलमेट वगैरह पहन के चला गया, अभी आए नहीं। पूरा बाइक वगैरह देखिए खोला पड़ा हुआ है, फिटिंग होना है, फिटिंग होने के बाद हम लोग को घर पर जाना है। लड़का है आपका, मुझे लगा कहाँ चला गया भैया,
अपने लड़के को लेने के लिए गया था स्कूल छुट्टी के टाइम में अभी। और वैसे ही देखिए उस दिन भी ऐसे स्कूल छुट्टी के टाइम पूरा खतरनाक वाला बारिश हुआ था, आज भी हो रहा है। मालिक को पानी के नीचे जाने बोलो। क्या लग गया यार, सोच रहे शाम को अगर गाड़ी लेके निकलते कहीं ट्रैफिक फ्लाईओवर पे ना हटकना पड़े, 5 घंटा 4 घंटा फिर से ट्रैफिक वगैरह लग जाएगा तो हो गया। हम लोग देखते सब कुछ देख के निकलेंगे शाम को। फ्यूल टैंक से क्या कुछ निकला है देखिए, सब बहुत ही गंदा था अंदर। ठीक है तो अभी ये सब फ्यूल तो बोले यूज़ नहीं होगा तो फिर से नया पेट्रोल डालना पड़ेगा हम लोगों को। और ऊपर से बारिश हो रहा है, पेट्रोल अभी लेने के लिए कौन जाएगा? थोड़ा सा आगे में है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन फिर भी बारिश हो रहा है तो कौन लेके जाएगा, लेने के लिए जाएगा अभी पेट्रोल? तो लगभग हो ही चुका है, होने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, और ये रहा भैया का बेटा। भाई बाबू तुम्हारा नाम बोलो क्या है? आयुष मंडल। आयुष मंडल कितने क्लास में हो? 9 पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोल दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब करो जो लोग नए हो चैनल पे। ठीक है, तुमको कौन सा बाइक पसंद है? डुगाटी। उनको डुगाटी बाइक पसंद है। देखिए अभी से अलग का शौक देखिए, आजकल के बच्चे क्या कुछ नहीं जानते वो लोग। तो भाई ने अभी भी मेरा चैनल का नाम लिख लिया है कॉपी पे, दिखाओ। देखिए बॉबीजी 60। ठीक है, घर पे जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और कल ब्लॉग में अपलोड करने वाला, ज़रूर देखना। ठीक है, तो नया सब्सक्राइबर मिल गया मुझे, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम लोग का हो चुका है वही था, पेट्रोल पे पानी घुस गया था वहाँ पे फ्यूल टैंक पे, तो अभी नया वाला पेट्रोल डालना पड़ा। बाकी कार्बोरेटर बाकी सब ठीक ही है, अभी बाइक को बाहर लेके गया है भैया। ठीक है, तो अभी पेमेंट करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है भाई, हेलमेट कैसा लगा है? बढ़िया ना। और गाइस तो अभी जा रहा हूँ घर पे, और कानन भी आ चुका है देखिए, अभी हम लोग के घर पे जाएगा। अभी गाड़ी पूरा ओके हो गया, अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, फिर खाना वाना लंच वंच खाना है, उसके बाद शाम को हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, और शायद विवेक भी आने वाला है ड्यूटी से, उसके बाद हम लोग शाम के लिए कुछ चाय वगैरह खाने के लिए निकल जाएंगे। और मैंने बोला था आपको कार लेके जाने वाला था, लेकिन कार है नहीं घर पे। ठीक है, तो हम लोग का भाभी मतलब घर पे गया था, तो भैया भाभी को लेने गया है कार लेकर, तो वो थोड़ा सा लफड़ा हो गया। मुझे लगा था कार का घर पर होगा, फिर अभी पता चला कि कार लेके भैया भाभी को घर पर लेने के लिए गया। तो अभी हम लोग को शाम को मतलब बाइक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जा रहे घर पे, चलो जल्द से लंच वगैरह खाना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद शाम को निकलना है। लेट्स गो कनन, अभी हम लोग का घर पे ना, चलो चलो चलो। पार्टी नहीं होगा, खाना क्या खिलाना है? दोपहर का खाना रेडी है, शायद खा लेना। और क्या घर पे आने से लोग को पार्टी चाहिए मतलब? आय भाई हम लोग का रिश्तेदार आने से भी ऐसा खाना नहीं खिलाते भाई, ऐसा डिमांड करता है। चलो राइडर्स में अभी ना घर पे हूँ, नहा वहाँ लिया है, खाना वाना सब कुछ हो चुका है, अभी रेस करने वाले हूँ। ठीक है, और वेदर अभी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, तो वेदर अभी थोड़ा सा साफ लग रहा है, तो ऐसा होने से शाम को निकल पाएंगे। और मैंने बोला था कार लेके जाएंगे, लेकिन कार अभी है नहीं, तो अभी क्या ही कर सकते हैं, बाइक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, कानन अभी गेम पे बिजी भैया, शायद अभी रेस करने वाला है, और मैं भी थोड़ा बहुत अभी रेस कर लेता हूँ, उसके बाद शाम को निकलना है। चलिए, ओ भाई पूरा दिन चला गया वहाँ पे सर्विस पे, पूरा बाइक का मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम, उसके बाद बारिश होने लगा, तो पूरा दिन वहीं पे चला गया।
तभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, आराम से निकल जाएंगे शाम को, ठीक है। और शायद विवेक भी जाने वाला है, विवेक ड्यूटी से आएगा। चलिए बस वेदर वैसे रहना है, ठीक है, बारिश वारिश नहीं होना है, तभी बाइक लेके जा पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए बेटा क्या गेम खेल रहे हो? भाई को जिता के दे रहा हूँ, भाई को मोबाइल लेजेंड खेल रहे हैं। चलिए मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, ये लोग गेम पे बिजी है। लेट्स गो गाइस। यो राइडर्स, तो अभी कानन और मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने के लिए। कानन ने बोला है कि कहीं पे कुछ चिकन समोसा मिलता है, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो जल्दी से जाते हैं और लेके आते हैं घर के लिए भी, और दोनों खा के आएंगे। तो देखिए अभी गर्म गर्म समोसा फ्राई हो रहे हैं, तो जल्दी से खाएंगे, उसके बाद घर के लिए भी थोड़ा सा पैकिंग कर लेंगे। और कोई नहीं, हम दोनों ही आए हैं और बाकी सब मतलब कैंसिल कर दिया है, कार भी नहीं है ऊपर से और वेदर भी खराब है, तो जल्दी से घर पर जाएंगे अभी, ठीक है। तो राइडर्स समोसा वमोसा खा के घर पहुँच चुका हूँ, अभी खाना वाना सब कुछ डिनर वगैरह हो चुका है हम लोग का, और अभी कानन आज हम लोग के घर पर रुकने वाला है। तो समोसा वमोसा खा के फिर दोनों आ गए थे हम लोग घर पे, फिर डिनर विनर किया, उसके बाद अभी हम लोग सोने वाले हैं, ठीक है। आज का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे राइडर्स। टिल देन टेक केयर, टाटा सी, बाय बाय।